हेलो दोस्तों, तो चलिए आज सेव नमकीन बनाते हैं घर पे फटाफट और बहुत जल्दी बनती, कम सामानों में बनती। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ बेसन को छान लिया पहले से, और मैं ग्राम में बताऊँ तो कम से कम 300 से 325 ग्राम, इतने ही अंदाजे मैंने बेसन लिया पर छान के मैंने लिया। 2 चम्मच मैंने नमक लिया, 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके इसमें डाल दी हूँ मैं। 1 चम्मच के अंदाज लगभग मैंने यहाँ हींग लिया है, और 50 से 60 ग्राम मैंने तेल लिया है। ये बस 4 चीज़ें 5 चीज़ें जाएंगी इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाता, सेव में बहुत कम तेल जाता है, लेकिन इससे बहुत अच्छा लगता है। घर में बनाना आप, जो हर घरों में लेडीज़ मशीन रखते हैं ना हाथ से बनाने वाले, मैं उसी से आज बनाऊंगी, झारे से नहीं बनाऊंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसे पानी से गूंद लूँगी, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। अगर मैं अंदाजे बताऊँ तो मुश्किल से 150 ग्राम के अंदाज पानी जाएगी, पर इतना होना चाहिए कि एक डो के जैसे बन जाना चाहिए। चिपचिपी लगती है, बहुत चिपकती है, क्योंकि बेसन हाथ में चिपकती थी, और इसमें तेल कम जाता है तो चिपकेगा। पर इसे अच्छे से धीरे धीरे हाथों से गूंद के, अगर आपसे अच्छे से नहीं गूंदे लगा है तो इसे ढक के छोड़ दो 10-20 मिनट के लिए, तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने गूंद लिया, गूंद के मैं इसे रख देती हूँ। अब हो गया 10 मिनट, इसके बाद मैं अच्छे से चम्मच से छुड़ा लूँगी, और जो मैंने मशीन बोला था मेरी मशीन यहाँ रेडी, इसमें अच्छे से मैंने तेल लगा लिया है। चारों तरफ मैंने तेल लगा लिया और मैंने इसमें लीड डाल दी। मैं आपको ये प्लेट भी दिखा देती हूँ, बड़ी वाली मोटी वाली मैंने प्लेट ली है। बारीक वाले में अपन को बनाना है तो बारीक वाले में डाल देना, और इसे लंबे करके मैं इसमें डाल दूँगी और तल लूँगी। और तब तक मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया, जब तक मैं इसमें सेट कर रही थी तेल गर्म हो गया है। तो देखिए मैं इसमें ऊपर के भी लगा दी, सबके पास होता है, हर घरों में होता है नमकीन बनाने वाले। इससे नमकीन बनाना चाय के साथ थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है ये। तो देखिए मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। और हाँ, कभी भी तेल सेव नमकीन बनाओ ना तो अच्छी खासी गर्म होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए पर अच्छी खासी गर्म होना चाहिए। तो आइए, मशीन तो सबको बनाने आता है, इस मशीन से आसानी से लोग बना जाते हैं, पर मार्केट वाले झारे में बना। देखिए मार्केट वालों के अंतर क्यों होता है कि उन लोगों की बड़ी कड़ाही, बहुत ज़्यादा तेल, और उसमें झारे से बनाते हैं तो वो बात अलग हो जाती है, और मशीन वाली होती अलग। पर टेस्ट में बताऊँ तो उससे भी बेस्ट मिलेगी आपको। तो मैं ऐसी मशीन से सारा नमकीन बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो हाँ फ्रेंड, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक रेसिपी मेरी ट्राई करिए। अगर आपको जमता है तो मुझे फॉलो करिए, नहीं जमेगा तो मत फॉलो करना। तो देखिए मैं इसे पलट दी दूसरी तरफ, और यहाँ गैस की फ्लेम मीडियम और हाई के बीच है, मीडियम और लो नहीं, मीडियम और हाई के बीच में अच्छे से मैंने तल लिया। एक प्लेट ले लिया, उसके ऊपर मैंने जाली रख दिया है। जाली रखने से क्या होता है, नमकीन के एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो निकल जाता है। और हाँ, दिन में 12 बजे के बीच में कभी कभी लेट हो जाता है थोड़ा सा, मैं लाती हूँ कुकिंग की रेसिपी, और बेकिंग की रात में लाती हूँ, 8-9 बजे के बाद में लाती हूँ बेकिंग की रेसिपी। जिसे बेकिंग देखना हो बेकिंग देख सकते हैं, जिसे कुकिंग सीखना हो कुकिंग सीख सकते हैं। तो देखिए मैंने तोड़ के देख लिया था, सॉफ्ट था अभी थोड़ा सा, फिर भी ये हो गया था। और एक इसकी निशानी एक और होती है, कभी भी नमकीन बनाए ना तब कढ़ाई में गौर से देखिए, इसके जो बलबले हैं ना, मतलब झाग जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मतलब कि हमारा नमकीन बन के रेडी हो गया है। ये होती है खास इसकी पहचान, देख रहे हैं ना चारों तरफ। तो मैं इसे निकाल लूँगी और जाली पर डाल दूँगी, और ऐसे ही सारा मैं नमकीन तल लूँगी। तो आपको बनाना हो तो ऐसे आप नमकीन बना लिए, फटाफट बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है नमकीन, एकदम सेव वाली नमकीन। तो दूसरी भी मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ, ऐसे करके 3 बेस में 4 बेस में मैंने तल लिया था टोटल, और तोड़ के इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ ली थी मैं, और तोड़ के मैं ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पाने के बाद एयर टाइट डब्बे में मैंने भर के इसे रख दिया था। तो चलिए फ्रेंड, आप भी बनाइए और कमेंट करके कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको कोई और नमकीन सीखना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी नमकीन आपको सीखना। तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पर।